गाइस क्या आपको पता है कि इंडिया में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर भी जल्दी सीएनजी वो आने वाली है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की। मारुति ने इस गाड़ी को हाल ही में लॉन्च किया था और इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी थी जो पेट्रोल में आपको सबसे ज्यादा माइलेज निकाल के देती थी 28 KMPL की। अब मारुति प्लान कर रही है इसको सीएनजी में लेके आने की। इस वीडियो में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे कि आपको ग्रैंड विटारा के सीएनजी वेरिएंट में कौन कौन से फीचर देखने को मिलेंगे, कितनी कैपेसिटी का आपको सीएनजी टैंक मिलेगा, क्या प्राइस रहेगी, कभी ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है और आपके लिए कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर है, सीएनजी या फिर पेट्रोल। ये सब बातें हम डिटेल के अंदर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। एंड गाइस मेरा नाम है अनुराग और मैं डेली आपके लिए लेके आता रहता हूं इसी प्रकार की नई नई कार से रिलेटेड लीक्स। सबसे पहले बात करें तो ग्रैंड विटारा मारुति आपको 4 वेरिएंट्स के अंदर प्रोवाइड करवाती है और 2 इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। और उससे पहले आपको बता दूं तो ग्रैंड विटारा को 2 कंपनियों ने मिलकर बनाया है। टोयोटा ने इसको अपना हाइब्रिड सिस्टम दिया है, जबकि जो पार्ट्स वगैरह हैं, बॉडी वगैरह हैं, ये सारी मारुति ने प्रोवाइड करवाए हैं, लेकिन इसे बनाती टोयोटा अपने प्लांट के अंदर है। तो ये 2 कंपनियों के टाई अप से बना हुआ वेरिएंट है जिसमें आपको सबसे ज्यादा माइलेज एंड फास्टेस्ट सेगमेंट फीचर देखने को मिलते हैं। इसमें आपको ऐसी सनरूफ देखने को मिलती है जो सेगमेंट में और किसी गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलती है, मतलब लार्जेस्ट सनरूफ है। पीछे की ओर काफी बड़ी एरिया तक ये सनरूफ है वो खुल जाती है। साथ ही कई सारे ऐसे फीचर हैं जो बाकी इस सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर नहीं आते हैं। अब बात करें सीएनजी वेरिएंट की, तो टोटल आपको ग्रैंड विटारा में 4 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। उनमें आपका बेस रहता है सिग्मा, उसके बाद में डेल्टा, जेटा एंड अल्फा। अब बात करें कि कौन से में आपको सीएनजी देखने को मिलेगा, तो मारुति आपको डेल्टा और जेटा यानी कि मिड वेरिएंट के अंदर सीएनजी प्रोवाइड करवाएगी। अब बात करें कि डेल्टा और जेटा की प्राइसिंग क्या क्या रहेगी। देखिए जो पेट्रोल के अंदर डेल्टा और जेटा वेरिएंट आते हैं वो जयपुर के अंदर आपको डेल्टा वेरिएंट पड़ता है 13,87,000 रुपए का, और जो जेटा वेरिएंट है वो आपको ऑन रोड जयपुर के अंदर पड़ता है 16,15,000 रुपए का। सीएनजी लगने के बाद में ये वेरिएंट आपको कितने पड़ेंगे, तो जो डेल्टा वेरिएंट है वो आपको ऑलमोस्ट पड़ जाएगा जयपुर के अंदर 14,87,000 रुपए का, और जेट्टा वेरिएंट है वो आपको पड़ जाएगा 17,15,000 रुपए का जयपुर के अंदर ऑन रोड में, आपको बता रहा हूँ सीएनजी की बात। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया जब आप हमसे 14 लाख रुपए और 17 लाख रुपए इन वेरिएंट्स के ले रहे हो तो हमें फीचर क्या क्या दोगे। सबसे पहले फीचर की बात करें तो डेल्टा की सीएनजी वेरिएंट में फ्रंट में आपको हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, टॉप एंड में आपको एलईडी के अंदर मिलते हैं, लेकिन इस वेरिएंट के अंदर आपको हैलोजन के अंदर ही देखने मिलेंगे। एंड ऊपर की ओर आपको डीआरएल भी दिए रहेंगे जैसे आपको टॉप वेरिएंट के अंदर मिलते हैं। एंड फ्रंट से जैसे कि आपको जो ग्रिल वगैरह है, नीचे की ओर आपको सिल्वर स्कीड प्लेट वगैरह, ये सारी आपको टॉप मॉडल के अंदर मिलती है और आपको डेल्टा सीएनजी वेरिएंट के अंदर भी देखने मिलेगी। साइड प्रोफाइल में चले तो यहाँ पे आपको 17 इंची स्टील रिम व्हील देखने को मिलेंगे। टॉप मॉडल के अंदर आपको अलॉय व्हील मिलते हैं, लेकिन आपको टायर साइज सभी मॉडल के अंदर सेम मिलेगी 215/60 R17 की। तो अगर आप कल को अलॉय व्हील लगवाना चाहो तो आप अलॉय व्हील लगवा सकते हो, आपको टायर चेंज करवाने की कोई जरूरत है नहीं। टायर मारुति आपको पहले 17 इंची है वो प्रोवाइड करवा रही है। साइड में आपको ORVM पैटर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा। एंड डोर्स पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएंगे, मतलब इस वेरिएंट के अंदर आपको पुश स्टार्ट बटन भी मिलेगा, जो डेल्टा वेरिएंट के अंदर मिलना काफी ज्यादा अच्छी बात है। जैसे जैसे आप हम आगे बढ़ेंगे फीचर की बात करेंगे तो आप लोगों को ये लगेगा कि ये 14 लाख रुपए ज्यादा नहीं ले रही है मारुति, क्योंकि हमें कंफर्ट और कन्वीनियंस के सारे फीचर तो प्रोवाइड करवा ही रही है। एंड ऊपर की ओर बात करें तो इस गाड़ी में आपको सार्पिन एंटीना देखने को मिलेगा, रूफ रेल्स आपको नहीं मिलेंगी जैसे हमें टॉप मॉडल के अंदर मिलती है। एंड रियर प्रोफाइल की ओर चलें तो यहाँ पे आपको एलईडी के अंदर टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे जैसे हमें टॉप मॉडल के अंदर मिलते हैं। एंड ऊपर की ओर आपको विंडशील्ड पे डिफोगर देखने को मिलेगा, वाइपर एंड वॉशर नहीं मिलने वाला है। एंड ऊपर की ओर आपको स्पॉइलर एंड हाइस्ट माउंट लैंप देखने को मिल जाएगा। पीछे की ओर आपको 4 पार्किंग सेंसर एंड 2 रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे। एंड नीचे की ओर आपको सिल्वर के अंदर बंपर देखने को मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट जैसे हमें टॉप मॉडल के अंदर रियर लुक मिलता है, सारे फीचर मिलेंगे सिर्फ एक वाइपर और वॉशर को छोड़कर। एंड अब चले इंटीरियर में, तो आपको 7 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो स्टूडियो सिस्टम देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन वगैरह सारे चलेंगे। एंड आपको अगेन कह रहा हूँ कि स्कॉर्पियो वैन की तरह आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं मिलेंगे, अच्छी कैपेबिलिटी के साथ में मिलेंगे, मतलब आप चला भी सकते हो। स्कॉर्पियो वैन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने एप्पल कारप्ले तो अभी दिया ही नहीं है और जो एंड्रॉइड ऑटो है वो अभी चल भी नहीं पा रहा है। तो और नीचे की ओर बात करें तो आपको ऑटोमेटिक एसी इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगी। एंड एमआईडी की बात करें तो जैसे आपको टॉप मॉडल के अंदर मिलती है वैसे आपको डिजिटल एमआईडी देखने को मिलेगी। इसमें आपको अभी जो ये गाड़ी है रूम के अंदर नहीं आई है, इसमें आपको एक सीएनजी का मीटर और देखने को मिल जाएगा। एमआईडी की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको इस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलेगा जो काफी ज्यादा अच्छी बात है। एंड ड्राइवर साइड के डोर की बात करें तो आपको ऑल 4 पावर विंडो के बटन एंड ORVM के कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे की ओर आपको 1 लीटर बोतल होल्डर एंड आपको फैब्रिक पैडिंग भी सभी डोर के अंदर देखने को मिल जाएगी, जो इस वेरिएंट के अंदर अगेन मैं आपको कह रहा हूँ प्रोवाइड करवाना काफी ज्यादा अच्छी बात है। मतलब आप लोगों को अभी ये लग रहा होगा कि मतलब सारे फीचर तो हमें प्रोवाइड वो करवा दिए गए हैं और क्या आप मारुति की जान लोगे। एंड अब बात कर लेते हैं जान से बात आई तो क्या आपको सेफ्टी में कितने एयरबैग मिलेंगे, तो आपको 2 एयरबैग ही देखने मिलेंगे। आने वाले टाइम के अंदर 6 एयरबैग हैं वो भी आ सकते हैं। एंड आपको चारों जितने भी आपको जो टायर्स हैं इनके अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने मिल जाएंगे, सेफ्टी रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ।
एंड सेंटर में बात करें तो आपको ड्राइवर आर्म रेस्ट देखने मिल जाएगी एंड आपको नीचे की ओर डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स देखने मिल जाएगा। आप चलते हैं सेकंड रो में, तो आपको सेकंड रो के डोर के अंदर आपको एक पावर विंडो का बटन एंड सीट्स की बात करें तो आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने मिल जाएंगे एंड आपको आर्म रेस्ट भी दिया गया है एंड बीच में आपको एसी वेंट्स भी देखने मिलेंगे। नीचे की ओर बात करें तो बूट में आपको पार्सल ट्रे दी रहेगी एंड अब बात करें सीएनजी टैंक के कैपेसिटी की और आपको कितना लीटर का बूट स्पेस देखने मिलेगा। तो इसके अंदर जो अर्टिगा में 60 लीटर का सीएनजी टैंक है वो आपको मिल सकता है इस गाड़ी के अंदर। एंड इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको वही जो अर्टिगा और ब्रेजा वगैरह के अंदर जो इंजन आता है, जो भी सेम इस गाड़ी के अंदर भी आता है, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला इंजन, वही आपको इंजन देखने को मिलेगा। अगर पावर फिगर की बात करें तो अभी तक मारुति की ओर से रिवील अब नहीं किए गए हैं, लेकिन ये अर्टिगा और ब्रेजा के अंदर इंजन आता है तो वही अगर आपको सिमिलर इंजन दिया रहता है तो यही सेम पावर फिगर आपको इस गाड़ी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। माइलेज वगैरह की बात करें तो आपको 26 किलोमीटर पर केजी तक ये माइलेज इंजन निकाल के दे देगा। ओवरऑल बात करें तो ये एक अच्छा पैकेज होने वाला है आपको 15 लाख रुपए के अंदर, सीएनजी में मिल रही है, अच्छी माइलेज भी मिल रही है, सारे फीचर भी आपको देखने में मिल रहे हैं और मारुति का जो ब्रांड वैल्यू है वो भी मिल रही है। मारुति को लोग कितना भी क्रिटिसाइज करें क्योंकि उसकी बिल्ड क्वालिटी खराब है, लेकिन आपको आउटलेट्स हर जगह देखने मिल जाएंगे, रीसेल अच्छी मिल जाएगी। और अगर आप बात करें सेफ्टी से तो दो कंपनियों ने इस गाड़ी को मिलकर बनाया, तो टोयोटा मारुति फिर भी चाले, लेकिन टोयोटा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसकी कंपनी बदनाम हो, वैसी खराब गाड़ी बनाए, तो मतलब बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलने वाली है। कोई भी क्रैश टेस्ट रेटिंग अभी तक इस गाड़ी की नहीं आई है, मे बी आने वाले टाइम के अंदर आ जाएगी। तो मतलब सेफ्टी भी अच्छी आपको मिल रही है, सारे फीचर आपको मिल रहे हैं, माइलेज भी मिल रही है और आपको 14.5 लाख रुपए की ऑलमोस्ट ये गाड़ी मिल रही है। जयपुर या फिर राजस्थान के अंदर तो टैक्स वगैरह हैं अदर स्टेट के कंपेरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा लगते हैं, इस वजह से आपको 14,87,000 रुपये की ऑन रोड है ये गाड़ी पड़ेगी, जबकि कई स्टेट के अंदर आपको 14.5 लाख रुपये के अंदर भी मिल जाएगी। और राजस्थान के कंपेरिजन में बाकी जो अदर स्टेट हैं उनके अंदर भी आपको ज़्यादा टैक्स है वो पे करने पड़ते हैं, तो उनके अंदर भी आपको ये 15 लाख रुपये के अंदर भी चली जाएगी। तो ऑलमोस्ट अगर आपको बजट लेके चलना है तो आपको 14-15 लाख रुपये का आपका बजट होना चाहिए अगर आप ग्रैंड विटारा का डेल्टा वेरियंट अगर सीएनजी के अंदर लेना चाहें। मे बी पेट्रोल से अच्छा है सीएनजी वेरिएंट है, कई कई जगह आपको मतलब अगर आपको पेट्रोल के अंदर भी चलानी है तो आपको 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है अगर आपके 14-15 लाख रुपए का बजट है, आप मारुति की कोई गाड़ी देख रहे हैं, बड़ी गाड़ी देख रहे हैं जिसके अंदर आपको बूट स्पेस तो आपको सीएनजी टैंक लगने बाद में इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लेग स्पेस वगैरह या फिर जो राइड और हैंडलिंग क्वालिटी वो अच्छी मिलने वाली है। तो गाइस ये था ग्रैंड विटारा के डेल्टा सीएनजी वेरिएंट का एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जेटा वेरिएंट के अंदर आपको कंपनी कौन कौन सी फीचर प्रोवाइड करवाने वाली है एंड अब बात करें इस गाड़ी की लॉन्च डेट की, तो मारुति जल्दी यानी कि अगले जो दिसंबर महीना आएगा उसके अंदर आपको इस गाड़ी को देखने को मिल सकती है, या तो फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक के अंदर ये गाड़ी है मारुति लॉन्च कर सकती है। सीएनजी वेरिएंट लॉन्च करने का कोई बड़ा आपको प्रीमियम वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बस नॉर्मली कंपनी अपनी वेबसाइट पे लगा देती है कि सीएनजी गाड़ियां आ चुकी हैं, तो मारुति है वो कभी भी लॉन्च कर सकती है, अभी तक मारुति की ओर से कोई भी डेटा वो नहीं दी गई है। तो गाइस मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।